नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भारतीय रोजगार चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, अप्रॉक्स 570 वैकेंसी आई हुई है। और ये जो है ऑल इंडिया बेसिस पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट वाइज यहाँ पे जॉब डिटेल्स दिया हुआ है, डेजिग्नेशन और पोस्ट यहाँ पे दिया है। प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट इंजीनियर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग मैनेजर, प्रोग्राम डिलीवरी मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, मॉड्यूलर लीड, मॉड्यूल लीड, प्रोजेक्ट लीड, प्रोडक्शन सर्विस एंड आउटरीच PS एंड ओ ऑफिसर। और ये ऑल इंडिया के लिए निकला है। आप लोकेशन देख सकते हो, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, नोएडा, पुणे, त्रिवनपुरम, पटना, जम्मू, सिलचर, कॉरपोरेट ऑफिस ऑफ ऑफिस एट पुणे, गुवाहाटी, श्रीनगर, चंडीगढ़। अब इतने जगह पे यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। और आप देख सकते हो 300 पोस्ट, 200 पोस्ट, 40 पोस्ट, 30 पोस्ट। अब इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं, कौन से ब्रांच वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस से लेके मतलब जितने भी टेक्निकल या स्किल्ड आते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम, IT सेक्टर वाले सब यहीं पे आ गए। तो जितने भी IT सेक्टर वाले हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, जियोग्राफिक, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जितने भी इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हैं वो अपना यहाँ पे डिसिप्लिन देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन तो पहले ही मैंने बता रखा है, बीटेक यहाँ पे आप देख सकते हो। आई थिंक हाँ, हम यहाँ अगर इसमें क्लिक करते हैं व्यू डिटेल्स पे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या मतलब रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीटेक मंगा है, सेकंड और करके दिया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस में, MEM Tech या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए या फिर PhD होनी चाहिए, इतना रिक्वायर्ड है। पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट यहाँ पे 0 to 4 year एक्सपीरियंस होना चाहिए, 0 साल वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट इंजीनियर यहाँ पे देख सकते हैं जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, तो जॉब प्रोफाइल रहेगा प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पे रहेगा, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उनको करनी पड़ेगी ये सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स दिया है। मार्केटिंग, अगर मार्केटिंग के लिए आए हैं तो फिर मार्केटिंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दिखाई गई है। सैलरी क्या होगी, तो सैलरी यहाँ पे 4.49 LPA से 7.11 LPA तक का रखा गया है। और इसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल रखा जाएगा, 3 साल के बाद हो सकता है आप नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करिए, अदरवाइज यहीं पे कंटिन्यू हो सकता है। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई को क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह पेस्ट करना पड़ेगा, फिर वो OTP आएगा, देन आफ्टर यू कैन रजिस्टर एंड प्रोसीड योर एप्लीकेशन। और यहाँ पे अपना पूरा एप्लीकेशन आप प्रोसेस करेंगे और अप्लाई करेंगे। अब रह गई यहाँ पे फीस क्या क्या है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नोटिफिकेशन पे हम क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये सीधा रिज्यूम बिल्डर अपना कैरियर पे ले जा रहा है, यहाँ इसी में टर्म्स एंड कंडीशन दिया है, क्वालिफिकेशन दिया है, एक्सपीरियंस भी दिया है, आप देख सकते हो। ऑनली नीड टू अप्लाई, ठीक है, एज लिमिट भी दिया हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया हुआ है। पहला तो इसमें एज लिमिट आप देख सकते हो, एज पर गवर्नमेंट रूल, अगर आपका एज निकल भी गया होगा तो आप अपना सर्टिफिकेट, जाति या कास्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से आप अपना ले सकते हो। और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हो, कैंडिडेट शुड बी मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट, द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइब्ड आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड पोसेशन ऑफ द सम सेम डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक द कैंडिडेट इंटाइटल्ड टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, सॉरी रिटन टेस्ट एंड आर सेलेक्शन प्रोसेस। रिटन टेस्ट होगा कुल मिलाकर, अगर बहुत ज़्यादा वैकेंसी आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अगर अप्लाई करते हैं तो उनका रिटन टेस्ट होगा, अदरवाइज उनका सीधा इंटरव्यू होगा, जहाँ पे उनको अकेडमिक और उनका एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, और उसका परफॉर्मेंस जो भी रहेगा इंटरव्यू के बेसिस पे उनका सिलेक्शन होगा, और लास्ट वही ऑप्शन रहेंगे आपके सिलेक्शन के। एप्लीकेशन फीस क्या होगी, तो नो एप्लीकेशन फीस इज चार्जेड बाय सीडेक फॉर अप्लाइंग
टूरिस्ट एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल है इसलिए इसमें कोई भी फीस नहीं रखा गया है। इंटरव्यू कॉल लेटर अदर कॉरेस्पॉन्डिंग थ्रू ईमेल, ईमेल के जरिए आपको भेजा जाएगा, कोई भी हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं की जाएगी। आप भी अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको भी, कोई भी हार्ड कॉपी आपको किसी भी एड्रेस पे नहीं भेजना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सब चीज़ें आपको ऑनलाइन करना है, कोई भी चीज़ें आपको ऑफलाइन नहीं भेजना है। अब यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट 1 फरवरी को स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपका 20 फरवरी 2023 को है। इंटरव्यू का जो डेट रहेगा विल बी कम्युनिकेटेड बाई ईमेल ओनली, आपको ईमेल के जरिए कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। और इंटरव्यू होगा कहाँ पे, यहाँ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंप्यूटिंग सीडेक इनोवेशन पार्क पंचवटी पासान पुणे और महाराष्ट्र, ये यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। तो अप्लाई करने से पहले अपना फोटो रिज्यूम ये दोनों रेडी रखेंगे, जहाँ पे आपके रिज्यूम और फोटोज आपके रिज्यूम में जितने रहेंगे आप जो अप्लाई ऑनलाइन करेंगे उसके हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको हो सकता है इंटरव्यू के लिए या रिटर्न के लिए जैसा भी आपके यहाँ पे मतलब उनके यहाँ जो फॉर्म जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिटर्न होने वाला भी है कि नहीं है। अदरवाइज अगर रिटर्न नहीं होने वाला है तो बिल्कुल आपको ऑनलाइन सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप इस एड्रेस पे जाके सीधा इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू आप दे सकते हो, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल करिए, क्योंकि ये फॉर्म तो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर जितने भी आईटी सेक्टर से स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और जिनका बीटेक हो चुका है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और भी इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए होगा बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। और आगे हमारे अगर इस चैनल में कोई नए हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगी। और लोगों को शेयर करिए और उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी हम ऐसे वीडियोज अपलोड कर रहे हैं वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। यहाँ कोई भी फेक वीडियोज या फेक नॉलेज या फेक कुछ भी चीज़ें यहाँ पे फेक नहीं होगी, जो भी होगी ओरिजिनल होगी। और जिसको भी जो भी डाउट है बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।